अस्सलाम वालेकुम यो ब्रो गो प्रो। तो आज है संडे मॉर्निंग, ऑलमोस्ट मॉर्निंग आफ्टरनून हो गया है। आज मेरा संडे तो मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ और उज़मा को लेके जाऊँगा नानी के पास। उज़मा का भी नाश्ता हो गया। उज़मा चल रहे जी, मेरे आज़म को अंदर सुला रहा था तो ये यहाँ पे रेस्ट कर रही थी, है ना। नाश्ता क्या किया आज? अंडा पाव शेजवान चटनी के साथ। अच्छा था ना? ठीक का भी था। वो मैंने बनाया था अंडा पाव उज़्मा के लिए। अगली बार से बनाओगे ना? हाँ। शेजवान चटनी कम डालना या तो ना चीज डालना उसके अंदर, क्योंकि चीज मेरी फेवरेट है और ठीका भी लग रहा था। अच्छा। इसके लिए दोनों से कुछ एक कर देना। ठीक है, अच्छे से बात बना के चलते हैं। ठीक है, आएगा व्लॉग नाचो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेटी थी ना इसके लिए, फिर से बना। ठीक है, चलो तो चलिए। तो मैं क्या आगे का ब्लॉग नाचो कंटिन्यू करेगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ नानी के पास छोड़ूंगा और मैं जाऊँगा खेलने के लिए। भाई उज़्मा इधर, उज़्मा पहले इधर आ तू। अच्छा, इसका पत्थर है ये? अब मार मत देना पत्थर से, खाली देना उसको। तो ये आ गई नानी के पास और मैं जाऊंगा खेलने के लिए। ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम, क्या बोलते हैं? यस संडे, इट्स माय संडे, सो आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। हाँ, ये कलर सबको आई थी। हाथ में बोल रहा है मेरा संडे, में जा रहा खेलने के लिए। उसको छोड़ने के लिए आया था, छोड़ दियो। अब मैं जाओ, डायरेक्ट शाम को मिलूंगा। यस, किधर? 8 से 10। 8 से 10 जाएंगे पक्का? मैं आएगा, डन। 8 से 10 है ना? अरे 8 से 10 में आएगा, बोला ना। कहाँ भी दिया ना? अरे ये वाला एक नंबर वाला ना, वो थोड़ा सा आगे है जो है उसके सामने। अच्छा, समझा। मारवे रोड, मारवे रोड पे वो फर्स्ट टाइम गए थे। जब भी मेरी छुट्टी रहती है ना, खुश तो रहता हूँ मैं, उसके मैं सोने देता। सही बताओ तो 12-1 बजते लग। नहीं भाईजान को बोल, भाईजान जा रहे करके। आई एम गेटिंग लेट ब्रो, लेट हुआ नहीं, जाता हूँ। नहीं, आज मालवनी में राउंड है, कल एक राउंड जीते, आज सेकंड राउंड रहेगा। तो बाय, अल्लाह हाफिज, बाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? तो आज है संडे और आपके भाईजान गए हैं मैच खेलने के लिए। आज वो बेचारे लेट निकले थे तो लेट ही आएंगे। उज़्मा गई अपनी नानी के घर पे, घर में है सिर्फ और मैं और आज़म, सिर्फ और सिर्फ मैं और आज़म। आज़म मेरे धूम की तरह इधर उधर मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, बताती मैं आप लोगों को। आज़म मैं जा रही हूँ। ए, ना 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 छोड़ो। इसको चार्जर, एयरफोन को मुंह में लेने का बड़ा शौक है, सब बच्चों को रहता है नॉर्मली ना। चलो आ जाओ, मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने ना चिकन को बाहर निकाल के रख दिया है, 2 दिन से मैं आप लोग सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ मेरे स्टाइल में मैं कैसे चपली कबाब बनाती हूँ। ठीक है, वैसे तो देखो ये है ना पाकिस्तानी एक डिश है, पहले मुझे नहीं आती थी लेकिन अब आती है अपने स्टाइल में। ठीक है, तो ऐसा है, चिकन है 1/2 किलो, कांदे लिए मैंने 1/4 किलो के आसपास, 1/4 किलो से थोड़ा सी कम कांदा है, देख सकते हैं आप। और टमाटर भी मैंने 1/4 किलो से कम लिए हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट मैं नहीं बता सकती, इसलिए आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े टमाटर और कितने बड़े बड़े कांदे हैं। ठीक है, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, साथ में लिया है बेसन और अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने लिए है कुछ सूखे मसाले, जो है कि लाल मिर्ची, अक्खी लाल मिर्ची, काली मिरी, अजवाइन, जीरा, धनिया। इनको पहले भुनेंगे और उसके बाद इसको दरदरा पीसेंगे, बारीक पीस के डाल सकते हैं बट मैं दरदरा पीसूंगी। साथ में लिया है मैंने बेसन। अभी अब बेसन के अलावा असल में ये कबाब में, चपली कबाब के अंदर मकई का आटा यूज़ होता है, मकई का आटा, बट मेरे पास मकई का आटा नहीं है तो मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। कुछ कुछ लोग कॉर्नफ्लावर भी ऐड करते हैं बट मैं ऐड नहीं करती कॉर्नफ्लावर, मैं बेसन ऐड करूँगी।
अच्छा, ये रेसिपी मैंने इससे पहले भी बनाई हूँ लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। तो ये सारे मसालों को हम लोग भून लेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस खाली ये थोड़ा सा भुन जाए तो अच्छे से पीस जाता है। अपने को बारीक पाउडर नहीं बनाना है, तो बस खड़ा खड़ा ही अपने को करना है। और यहाँ पे मेरे पैर के पास मेरा शहजादा घूम रहा है, अले वाह वाले वाले वाह वाले, अले अरे 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 अरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दरदरा गरम मसाला पीस लिया है, और मिक्सर की आवाज़ सुन के होता है मेरे बेटे को रोना आता है, डर लगता है उसको। क्या हुआ आजम? अरे मेरे बच्चों को डर लग गया, मिक्सर की आवाज़ थी वो, आओ आओ। अभी तो और रोएगा क्योंकि अभी यही मिक्सर का मसाला हटा के मैं इसी के अंदर वो पीसूंगी, क्या बोलते हैं, चिकन पीसूंगी, चिकन का कीमा बनाऊंगी। क्या हुआ अम्मा? ए भाई साहब, रुक जा बेटा, जरा जरा शांति रख माँ। ये मसाला मैंने इसमें खाली कर दिया। एक्चुअली मैंने ना चॉपर के अंदर कीमा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एकदम चिकट कीमा चाहिए। चिकट इन द सेंस मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को, जैसे शामी कबाब के लिए बनता है ना चिकन का कीमा, वैसा चाहिए। तो मैं पीस रही हूँ, ये देखिए मिक्सर के अंदर मैंने चिकन पीसा, और ये इतना मस्त पीसा, हाथ नहीं लगा पा रही क्योंकि मेरे हाथ में रोता हुआ आजम रो रहा है मेरे बेटा, क्या हुआ? तो देख सकते हैं आप लोग कीमा कितना सॉफ्ट, पूरा प्लेन अच्छा मैंने कर लिया मिक्सर से। मैं मटन का नहीं बनाई क्योंकि मुझे भी खाना है कबाब, ठीक है, इसके लिए मैं चिकन का बना रही हूँ। आप सेम तरीके से मटन का भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, ठीक है, और इसको अच्छे से मसल लेंगे। जितना ज़्यादा अच्छे अच्छे तरीके से अपन मसलेंगे, वैसे ही जैसे मेंदू वड़ा बनाने के टाइम पर उसके बैटर को, मेंदू वड़ा नहीं दही वड़ा बनाने के लिए उसके बैटर को मसलाया था ना, उस तरह से हम इसे मसलेंगे ना तो उसकी बाइंडिंग मजबूत होगी, ठीक है। सारा मसाला डालने के बाद तो मसलना है, लेकिन पहले ही से ही मसलो अपन, कबाब में हड्डी, यस कबाब में हड्डी, ठीक है। ये देख सकते हैं बाइंडिंग ऐसे खुद से आना चाहिए, मस्त है ना, माशाल्लाह। अब इसके अंदर डाल दूंगी ये पूरा सूखा मसाला, पूरा का पूरा, ठीक है। धनिया, जीरा, काली मिर्ची, लाल मिर्ची और अजवाइन, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा आमचूर का पाउडर। वैसे तो असली वाला जो कबाब होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, चपली कबाब, उसके अंदर अनारदाना पड़ता है। अब अनारदाना नहीं है तो थोड़ा खटास के लिए मैं वो डालूँगी, क्या बोलते हैं उसको, आमचूर पाउडर, ठीक है। तो ये है आमचूर पाउडर, ठीक है। उसके साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, मेरे पास पेस्ट है इसलिए मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आपने आप घर में पीस के ऐड करो ज़्यादा अच्छा रहता है, मेरे पास घर में अभी अदरक नहीं है, लहसुन है। साथ में मैं ऐड करूंगी ये बेसन, चने का आटा, इसको रिप्लेस कर दो मकई के आटे में अगर आपके पास है तो। उसको अच्छे से मिक्स करना है। आजम को नींद आ रही है, मैं जाती हूँ उसको सुलाने, लेकिन ये करके मेरे को रखना पड़ेगा ना थोड़ा मैरिनेट करने के लिए, इसको आधा पौना घंटा फ्रिज में रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको झूले में डाली हूँ और झूला दे के आई हूँ। इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 2 चम्मच घी, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़रा भी चिकन में ज़रा भी चिकनाहट नहीं थी, ठीक है। अभी मटन में कैसा होता है चर्बी फैट वगैरह को यूज़ किया जाता है 15-20%, बट इसमें फैट नहीं है ना। उसके साथ कांदा ऐड करूंगी, लेकिन कांदे का जो भी एक्स्ट्रा रस है वो मैं निकाल दूंगी,
ये देखिए, और इसको निचोड़ के इसमें ऐड करना है। देख रहे हो आप, जितना ज्यादा रस निचोड़ सकते हैं काले का निचोड़ लीजिए। टमाटर भी ऐड कर देंगे। कोथमीर, हरी मिर्ची और पुदीना ये भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मैं भी वापस मिलाऊंगी। घी डालने से सब एक दूसरे को पकड़ लिया अच्छे से। मैंने इसमें अंडा नहीं ऐड किया। वो भी कोई ऐड करता कोई नहीं करता। यस, अभी इसको मैं मैरिनेट करके फ्रिज के अंदर रख दूंगी। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जब तक हमारा चिकन होएगा मैरिनेट, ठंडा होएगा फ्राई करने के लिए, तब तक के मैं इसको सुलाऊंगी। अब ये सोता कैसे है वो मैं बता दूं। ओ ओ ओ, ओ एजम सो जाओ माँ। ओ ओ ओ, तो इसको हो गया फ्रिज में रख के आधा घंटा। अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया और इसको हम फ्राई करेंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पे एक पॉलिथीन, क्योंकि मैं हाथ पे भी कर सकती हूँ, पॉलिथीन भी कर सकती हूँ, पटले पे भी कर सकती हूँ, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा तेल मैंने प्लेट में निकाल लिया है ताकि मैं अपने हाथों को थोड़ा तेल से वो कर सकूं। अब कुछ नहीं, इसको बड़ा बड़ा लेना है और अपनी पसंद के हिसाब से साइज रख लो। ठीक है, बड़ा भी बना सकते हैं हम, छोटा भी बना सकते हैं हम। ठीक है, ये देखिए हाथ पे भी हो जाता है इस तरह से। तेल अभी गर्म नहीं हुआ अपन, इस तरह से आप हाथ पे भी बना सकते हैं और फिर पॉलिथीन पे रख के इससे बड़ा बनता है। तो पहले मैं ये वाला फ्राई करूँगी और पॉलिथीन वाला भी फ्राई करूँगी। इसका मैं ऐसे हाथ से डाल रही हूँ। ठीक है, अब पॉलिथीन मैंने क्यों लिया, ताकि मैं पॉलिथीन पे थोड़ा बड़ा बना सकूँ। ठीक है, ये अपनी बाजार वाली ले लिया। अब इसको स्लो आंच पे पकाएंगे अपन। हल्की पल्टी करके उसको अच्छे से पका रही हूँ ताकि चिकन जो है ना अंदर से अच्छे से कुक हो जाए, कच्चा ना रहे। मैंने अंडा नहीं डाला, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, कुछ कुछ लोग अंडा ऐड करते हैं बाइंडिंग के लिए वगैरह वगैरह, बट ज़रूरत नहीं है। क्या मस्त मसाला कलर आया ना इसका। आजम रो रहा था मीन में से उठ के, तो मुझे जाना पड़ा था। अब ये ठीक से आ गई है ना आजम, आजम मेरे बाजू में खड़ा हुआ है। ये रोतड़ भाई, जब उज में अप्पी नहीं रहती है तो रोना आता है, अब्बा नहीं रहते तो रोना आता है, अम्मी सामने नहीं रहेगी तो रोना आता है ना। अम्मी बाजू में ही चाहिए।
अरे भाई, मेरी तेरी अम्मी ने हिम्मत की, बोल के ये बन गया। मैं सही में नहीं बन पाती थी, आज भी नहीं बना पाती थी, आज भी आप लोग को मैंने जो जबान दी थी वो पूरी नहीं कर पाती थी। ऐसे बड़े बड़े होते हैं चापली कबाब, है ना। मेरे को शेरू ने बोला था हैदराबाद में, जब उसने खाया था ना चापली कबाब, तो मुझे बोला था आपा एक सेम हैदराबाद जैसा बनाना। अब उसने हैदराबाद में खाया था मटन वाला, मैं मटन खाती नहीं तो मैं बना के करूँ क्या, तो इसलिए मैंने चिकन का बनाया। और मैं इंशाल्लाह उसके लिए भेजूंगी ज़रूर बना के। नमक कम हुआ तो मेरे को बैटर में थोड़ा नमक मिलाना पड़ेगा। फिर बाकी सब कुछ परफेक्ट माशाल्लाह। बड़ा वाला मस्त लग रहा है ना, अभी मैं बड़े वाले जैसे ही बनाती। हाँ बड़ा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो फाइनली मैंने बड़े बड़े आधा किलो के अंदर देखो ना कितने बड़े बड़े चापली कबाब मैंने तीन यहाँ रेडी कर दिए। एक छोटा वाला पहले मैंने बनाया था, वो अभी इतना बेटर और है इसके अंदर, और तीन चार बन जाएंगे। मैं बनाती हूँ फिर बताती हूँ आप लोगों को कि कितने बने आधा किलो के अंदर। सो गाइज टोटल छः बड़े बड़े चपली कबाब बन गए। मैं चापली बोलती हूँ, चपली एक्चुअली में इसका नाम, मुझे किसी ने करेक्ट किया था, चापली चापली निकलता मुँह से। तो छः बने हैं बड़े बड़े और ये छोटा वाला जिसको मैंने टेस्ट करके इसके अंदर नमक ऐड किया था। ये देख सकते हैं इसका साइज़ बहुत गर्म है वैसे तो मेरे हाथ में, बहुत गर्म है। अभी उतारा लास्ट वाला, ठीक है। मेरे हथेली के साइज़ के कबाब बने हुए छः छः माशाल्लाह से, आधा किलो में जितना कांदा टमाटर बताया गया उतना कांदा टमाटर, आधा किलो चिकन और बाकी जैसे मसाले मैंने फॉलो किए हैं वैसे अगर आप फॉलो करके बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। चिकन की जगह आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं बारीक कीमा करके। बस मटन में थोड़ा सी कुकिंग प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा सीखना पड़ता है, चिकन जल्दी कुक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मेरा बेटा अभी तक यहीं खड़ा है, ऐसा नहीं होता माँ। अभी मैं तुमको खाना खिलाऊंगी, ठीक है। बस 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 अभी अब्बा आएंगे, 11:15 हो रहे हैं अभी, इसके अब्बा आएंगे। इसको मैंने खुला ही रखा है क्योंकि अभी इसको ढाक दूंगी ना तो पानी छोड़ेगा, मतलब वो गीला गीला पन आता है। मैं इसको बांध दूंगी अभी सिल्वर फॉइल में। आए क्या हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो सोची आज आते थे नहीं बोल के आ गया ना। वालेकुम सलाम। जल्दी हाथ धो, जरा टेस्ट करके बताओ। हाँ वो तो करता है, तुम पहले हाथ धो और मुझे टेस्ट करके बताओ कैसे। ये टीवी का आवाज़ है, टीवी लगाई ताकि वो यहाँ रुकेगा लेकिन वो यहाँ रुकता किधर। सारा कपड़ा वपड़ा ये सब हिला विला के अपनी ट्रॉली घसटता है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो इस टाइम बड़े बड़े बनाई। साइज देखो दिख रहा है मेरे को, बहुत बड़े लग रहे। पहला साइज नहीं वाला था। दिखने में बहुत मस्त लग रहा है वैसे। पक्का? अच्छा। मत 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 मत
वो चटनी के साथ खाने का, टमाटर की चटनी के साथ। टमाटर बोले तो वो जो तुम बनाते हैं ना। अच्छा हाँ, बराबर बराबर। एक्चुअली मेरे को हरी चटनी के साथ खाया जाता है या कोथमीर टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है, बहुत याम लगता है खाने में गाइस। अभी भी याम लग रहा है एकदम। लेकिन अभी मेरे पास ना चटनी बना के आप लोगों को दिखाने का टाइम नहीं है। अगर मैं आता ना तो पक्का बनाता, अगर टाइम पे आता तो। बाबू टाइम पे आते थे तो मैं इसके पराठे भी बनाती थी, इसकी चटनी भी बनाती थी, सब कुछ बनाती थी। लेकिन अभी ना मेरे को बाहर से रेडीमेड पराठे मैंने मंगाए हुए आपके भाई से, वो पराठे से खाने वाले हम लोग हैं, ठीक है। ये यही मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से बनाया आजम के साथ। देखिए तीन बड़े बड़े कबाब यहाँ पैक हो जा रहे, और जैसे कि मैंने बोला तीन हमने बनाए आधा किलो में, तो बहुत अच्छी क्वांटिटी बनी। नहीं के बाबू हाँ। ये मेरा पहला वाला था जो शायद से ये मैंने सही से बराबर से सीखा नहीं था, इसको वापस से मैं तवे पे डालूंगी। तो ये बाबू अभी लेके जा रहे, बोलना शेरू को यहाँ से टेस्ट कराना। हाँ ठीक है, अभी तक तो सबका खाना भी होगा वहाँ पे। हाँ। लेकिन फिर भी ठीक है ना, मैं रियाज का शायद नहीं मरेगा। रियाज का शायद नहीं हो रहा कुछ, क्यों? रियाज ने खुद गया था रियाज साथ खेलने के लिए। अच्छा रियाज साथ में था क्या? नहीं साथ में मतलब मेरे को बीच में ब्रेक पता, मेरे को फोन किया था कि मैं एक घंटे क्लास हो गया, वो टाइम मेरे को ब्रेक था ना, तो रियाज तो गए थे टर्फ खेलने के लिए। अच्छा तो उनके साथ गया था मैं। अच्छा तो लोग फ्री हो गए रहेंगे, मेरे को पूरा तो शूट नहीं कर रहे ना तुम। नहीं सो गाइस, बस आज मेरे को ऐसा लग रहा बहुत मेहनत हो गई। क्या है ना आजम है ना इनसिक्योर फील करता अकेला अकेला रहता है तो। हाँ अभी कितना खुश है क्या आप है ना, कैसे ले 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 जल्दी जाओ। तो मैं बोले मैं जीत गया, हम लोग फाइनल मैच में है, जीत गए हम लोग। सही बताओ तो वापस नहीं जा सकते मालूम है, नहीं जा रहा बता रहा खाली, हम लोग जीत गए, हम लोग सेकंड प्राइज का पैसा कंफर्म मिलेगा। अब देखते क्या है जी, अगर मेरे मैच जीते तो अच्छी बात है, फाइनल मैच भी ठीक है, लेट जाता होगा इसके लाओ दे मैच जीत जाता, ठीक है। सो गाइस आदम का खाना हो गया, अभी आदम फ्रेश हो जाएगा। आदम अप्पी का इंतजार करें मामा, अप्पी का इंतजार करें मामा, अप्पी का इंतजार। अरे दे 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 ले दे 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 ना दे ना। अरे दे उजमाया आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। सही में तारीफ किए उजमा, क्या बता रही थी बता। मैंने मामू से ये लियो, मामू ने हमको ये सब दिलाए हैं। हां क्या क्या है ये, क्या है ये, आसमान पे उड़ने वाला है क्या? नहीं रे बाबू, तो जमीन पे तैरने वाला भौरा। अच्छा ऐसा क्या, कैसा उसमें बता जरा। ये देखो मेरे को लगा वो ड्रोन जैसा कुछ है। आपको क्या लगा था? छोटे मिनिस कर दे खेल बैडमिंटन वाला। मैंने पिंक नहीं यूज की, इसके लिए पिंक वाला यूज कर ली। अच्छा ये है। अच्छा इतना बड़ा थाम जाम करके ये घुमाने का, वो अपना ठीक थे नहीं का, ₹5 वाला इससे अच्छा, दबाओ। हाँ हाँ इतना बड़ा थाम जाम करके घुमाने, बाप रे। हाँ। ये क्या ऑटो, ऑटो तू क्यों ली, तू क्या करती ऑटो का? आदम के लिए ऑटो से। हाँ ठीक है, और मैं इससे खेलूंगी। ओके अब हम दोनों मिलकर खेलें क्या? मेरे को मत फंसा, मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ भाई आज। अम्मी आदम ने मेरे को ना नाच नचाया पूरे घर में आज। अरे खेल कर तो देखो मेरे साथ एक बार। हाँ बाद में खेलेंगे, पहले वीडियो की एडिटिंग करने का। चलो लाइक करो शेयर करो, बोल दे एक बार अच्छे से। अल्लाह हाफिज गाइस, ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, बाय बाय। आदम बाय बोलो, बाय बोलो, बाय। रिक्शा रिक्शा से खेल रहा है।